वेलकम बैक ऑन योर YouTube चैनल एज ग्लोबल सॉल्यूशंस। आज फिर आपको लेकर आए हैं आपकी पसंदीदा शॉप वीके एंटरप्राइजेस पे, जो कि पावर टूल्स में होलसेल में और रिटेल में सभी तरह से डील्स करते हैं। इनका एड्रेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ हमारे साथ हैं आप सबके पसंदीदा यहाँ के ऑनर और पावर टूल्स के एक्सपर्ट सार्थक भैया। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये मशीन मैंने यहाँ रखी हुई दिखी है, ये मशीन मुझे लग रहा है कि जो पेंटर वगैरह होते हैं उनके काम में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली मशीन होती है। जिसके बारे में बताते हैं, ये हमारा ड्राई वॉल सैंडर है। एक बार पहले इसको खोल के बताते हैं, फिर बताते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं इस वाली मशीन से। ये हमारी सैंडर मशीन है। ये बेसिकली हमारा क्या काम करती है, आज भी इवन दिल्ली जैसे शहर में भी लोग क्या है, अगर हमने घर में पेंट कराना हो, पहले सबसे पहले क्या होता है, पेंट पुराना उतारना। उसके लिए आज भी मतलब बड़े बड़े शहरों में भी लोग क्या करते हैं कि अपना हाथ में रेगमार लेके उससे काम करते हैं। एक दीवार पूरी साफ़ करने में कम से कम एक दिन का टाइम लगता है। मेरे को मेरे घर में खुद मुझे पता है कि उसने काम किया है और इतना टाइम एक दीवार पे सिर्फ लिया था, और वहीं पे एक दीवार के बाद मैंने उसको बोला ये वाली मशीन से काम कर, और उसने पूरा घर एक दिन में कर दिया। पूरा अगर पेंट उतारना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये वाली मशीन जो है हमारी 7 इंची की मशीन है, जो यहाँ पे आपका एक रेगमार से मान लो अगर आप काम कर रहे हो, एक बंदा लगा रहेगा इससे पेंट उतारने में लगा रहेगा, और वहीं पे हमने ये मशीन से काम कर रहे हैं। तो ये वाला मशीन पे रेगमार होता है, ये ऐसे लग जाएगा बहुत आसानी से और आपका काम करेगा। बेसिकली ये जो छेद है हमने अलाइन करके लगाने होते हैं इन होल्स के साथ, वो ध्यान रखना आप। इससे क्या होगा, जो ये जो जितनी धूल मिट्टी है वो यहाँ से अंदर चली जाएगी और यहाँ से बाहर आएगी। यहाँ पे हम अपना वैक्यूम क्लीनर भी लगा सकते हैं, जिससे जो भी धूल मिट्टी है वो सीधा आपके ज़मीन पे ना जाके सीधा वैक्यूम के अंदर जाए और आपका काम करने का एरिया पूरा साफ रहे। अदरवाइज जितने भी ये गंदे कह लो पुरानी पेंट उतरेगा, धूल बन के उतरेगा, वो काम करने वाले के मुँह में जाएगा, सांसों में जाएगा। तो हम यहाँ से वैक्यूम क्लीनर भी लगा सकते हैं, इसके अंदर ये भी ऑप्शन है। साथ में हम ये डस्ट बैग भी लगा सकते हैं, अगर आपका मन मतलब वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो हम डस्ट बैग लगा देंगे, जिससे क्या होगा जितना भी आपका धूल मिट्टी है डस्ट बैग में जाएगा। ये वाला डस्ट बैग के अंदर आप देखते हैं हैंडल भी आता है, जिसको हम अपने कंधे पर लगा सकते हैं, और ये पाइप है। बेसिकली हमने ये कंधे पर टांग लिया और ये पाइप हमारे साथ लग रहा है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका धूल मिट्टी है वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी, और इजीली आपने कहीं ऊपर चढ़ के भी काम करना है तो आप कर पाओगे, और ये आपका फिर बाहर बाद में आप फेंक सकते हो। इससे मशीन के अंदर अगर हम देखते हैं, आपका 1100 वाट की मोटर है, 6 महीने वारंटी आती है इस मशीन की। ये मशीन जो है 7 इंची की है, एक बार में जब ये मशीन चलती है मतलब 7 इंची का तक का आपका एकदम सफाई से काम करेगी, और जो आप हाथ से काम करते हैं उसके अंदर आप देखें कहीं पे ज़्यादा रेगमा लगा दिया, कम रेगमा लगा दिया, उसके बजाय यहाँ पे एक बार में हर जगह यूनिफॉर्मली लगेगी। तो ये बहुत अच्छी खासियत है इस मशीन की। यहाँ से आप इसका एयर रेगुलेट भी कर सकते हैं इस वाले बटन से, और यहाँ पे आपका ऑन ऑफ का स्विच आ जाता है। बेसिकली ये ऑन ऑफ का स्विच जो है ये है इस LED लाइट का। अगर मान लो हमारी कई बार साइट होती है जहाँ पे हमने पेंट करना है या उतारना है, वहाँ पे लाइट का इशू है या फिर लाइट आपको नहीं मिलती है या लाइट वहाँ पे कम है बेसिकली, तो आपका LED वहाँ पे काम आएगा कि आपका जब हम काम करेंगे LED जल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको कहाँ पे काम कर रहे हैं आपको वो पता है, यहाँ पे पूरा LED जलेगा। ये जो वर्किंग एरिया है ये आपका पूरा लाइट अप होगा, तो आपको कहाँ पे काम कर रहे हो पूरी दीवार आपको ग्लोइंग दिखेगा कि आसपास का कैसे कर रहे हैं, और यहाँ से आपकी धूल मिट्टी अंदर चला जाएगा। मैं इसको बहुत आसानी से ऐसे पकड़ सकता हूँ, और ये स्विच है, अगर मेरे को उसको लगातार चलाना है तो एक बटन दिया हुआ है, क्योंकि अब दीवार पर चलाना है टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये बटन दबाएंगे और ये दबाएंगे, हमारा बटन दबा रह जाएगा ऐसे, और इसको दबाएंगे खुल जाएगा। बेसिकली ताकि हमें ज़्यादा देर तक उंगली का प्रेशर ना लगाना पड़े, हम सीधा ऐसे पकड़ के काम कर पाएँ, इसीलिए ये बटन दिया हुआ है। एक बार दबाएंगे खुल जाएगा, वापस लगाना हो ऐसे लग गया, बहुत इजी है लगाना। अगर हम मशीन के साथ में क्या क्या आता है उस पर ध्यान देते हैं, तो हमें कुछ 3-4 ये साथ में आते हैं, अलग से चाहिए हो तो भी हमारे पास मिल जाएंगे। साथ में कनेक्टर्स और स्क्रू ड्राइवर और एलेंकी साथ में मिलती है। 2 कंपनी ने हर बार की तरह इसके अंदर 2 कार्बन एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं। कार्बन चेंज करना बहुत आसान है, यहाँ से आप कार्बन चेंज कर पाएंगे। ये 2 कनेक्टर्स हैं, यहाँ से आपने बस इजीली इसको खोलेंगे, कार्बन निकल जाएगा, दूसरा नया कार्बन लगाएंगे और लगा देंगे, आपका कार्बन बहुत इजीली चेंज हो सकता है। एक कार्बन की लाइफ आप 80 घंटे मान के चले और 80 घंटे बाद चेंज कर दें, उससे क्या होगा आपका मोटर का लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा। इसके साथ ही में यहाँ पे आपका स्पीड रेगुलेटर भी दिया हुआ है, इससे अगर हमने कहीं पे कम रेगमार मारना है मतलब पेंट ऑलरेडी कम लगा हुआ है या हल्का वाला पेंट लगा हुआ है तो हम कम स्पीड पे काम करेंगे। अगर हमने जल्दी काम करना है, RPM बढ़ाने हैं, तो हम यहाँ पे ये मैक्सिमम पे भी काम कर सकते हैं। जितने भी हमने काम करना हो हमारी मर्जी है, उस हिसाब से हम रेगुलेटर सेट करके काम कर पाएंगे। ये कंपनी ने साथ में हैंडल दिया हुआ है, इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपने यहाँ पे इसको हैंडल को लगाया, इससे क्या आपके ऑपरेशन बहुत जल्दी और पकड़ बहुत अच्छी आती है, और जब दीवार पे आपने प्रेशर लगाना है बहुत अच्छे से लगा सकते हो 2 हाथों से। अगर हम देखते हैं इसको,
बेसिकली अगर ये दीवार है तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे प्रेशर लगाएंगे और हम यहाँ से ऐसे पकड़ पाएंगे, चाहे ऐसे कह लो, कोई बंदा लेफ्टी है तो हम इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी वो दिया हुआ है, इसको यहाँ से खोलेंगे और यहाँ पे लगा उल्टे तरफ लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो बंदे लेफ्टी हैं वो भी आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो अब हम मुझे ऐसे पकड़ के भी काम कर पाऊँगा मैं, ऐसे है ये। बेसिकली अगर आप इस वाली मशीन पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म है, इससे क्या होगा जब आप काम कर रहे हैं, ये हल्का सा यहाँ से ऊपर है, ये बेसिकली आपका ये वाला आपका दीवार पे अटक जाएगा और ये वाला चीज़ प्रेशर देगा तो हम ये अंदर जा रहे हैं अगर आप देखेंगे तो मशीन भी अपने तरफ से प्रेशर लगाएगी। जब हम इसको यहाँ से ऐसे लगा के काम करेंगे, आपका बस काम है इसको दीवार के साथ इस वाले एरिया को पूरे को लगा के रखना, बाकी मशीन का काम है अपने आप काम करना। आप जब ये लगा देंगे, मशीन को पता है कितना प्रेशर देना है, वो अपना प्रेशर देगी वहाँ पे और काम करेगी। बहुत बढ़िया मशीन है, हम एक बार अपनी मशीन को बस चला के दिखा देते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं हमने इसको बिजली में लगाया है मशीन को, आपका ये वाले बटन से हम ऑन ऑफ कर पाएंगे। ये वाला बटन आपने दबाया तो यहाँ से ये वाला LED ऑन हो जाएगा। जब मैं काम कर रहा हूँ तब मेरा इससे ऑन होने से जैसे बहुत फ़ायदा होगा। मान लो ये दीवार है और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ पे कैसे दिख रहा है मुझे एंड मैं इससे इजीली काम कर पाऊँगा। अगर मैं मशीन चला के दिखाता हूँ, पहले मिनिमम RPM पे चला के दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने अभी इस मशीन को यहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम पे लेके गया हूँ। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मशीन का RPM बढ़ रहा था, आपको आवाज़ में फ़र्क सुनाई दे रहा होगा। इससे क्या होगा कि अगर कहीं पे हमें काम जल्दी करना है या RPM से हमें कहीं पे कम पेंट उतारना है, ज़्यादा पेंट उतारना है, तो हम RPM सेट करके वो काम कर पाएंगे। वो कारीगर है आपका ईजिली देख पाएगा और जज कर पाएगा कहाँ पर कितना RPM पे काम करना है। ये वाली मशीन है प्रोफेशनल यूज़ के लिए मशीन है, हमारे पेंटर्स के लिए एकदम से आप कह सकते हो वरदान वाली मशीन है। आपको इसके अंदर जो आपका काम अभी तक 3-4 दिन में होता था, ये सिर्फ काम आपका पूरे घर का, कम से कम अगर एक दीवार है एक घर में ही कम से कम 10 दिन पेंट उतारने में लगते थे, दूसरा बंदा उस समय पेंट करने लगा था, ये मशीन आपको पेंट उतारने का काम बहुत जल्दी कर सकता है। ये आपको डस्ट बैग लगाने का एक बार तरीका बता देते हैं। ये बेसिकली क्लिप इस तरफ भी है उस तरफ भी है, ये अभी हमने इधर लगा दी है, इधर आपको लगा के दिखाते हैं। इसको यहाँ पर लगाया और ये खांचे हैं, इसको यहाँ पर ऐसे प्रेस कर देंगे, अगर हम ये अंदर चला जाएगा और ये यहाँ पर पकड़ लेगा, एक खांचा यहाँ पे एक खांचा यहाँ पे, ऐसे सेम यहाँ पे था, हमने लगा के दिखाया। इसको यहाँ पे हम लगा देंगे तो इस तरफ से आप चाहे अपना वैक्यूम क्लीनर कनेक्ट कर सकते हो, उससे सक्शन पावर और बढ़ जाएगी मशीन की, वरना आप ये डस्ट बैग लगा सकते हो, इससे जो भी आपका यहाँ से डस्ट निकलेगा सारा आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। इससे क्या है कि आप अब जैसे अगर आप इसको चाहे तो ज़मीन पर रखो, चाहे अपने साथ यहाँ पर टांग लो और फिर हम इससे काम करें, हमारा मर्जी रहता है कि हम इसको कैसे यूज़ करना चाहें। बेसिकली इतना लंबा आपको होस पाइप ऑलरेडी मिलता है मशीन के साथ में। अभी आपने ये मशीन देखी जो मेरे हाथ में, ड्राई वॉल सेंटर बोलते हैं इसे, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि स्प्रिंग वाला फीचर्स और सबसे बढ़िया ये लाइट वाला फीचर और भी मल्टीपल फंक्शन है इसके अंदर। यानी कि ऐसी मशीनें जो पेंटर हैं उन्होंने एक बार ख़रीद ली, मेहनत भी कम होगी और सबसे बड़ी बात 4 दिन का काम एक दिन में होगा, और जब जाहिर सी बात है 4 दिन का काम एक दिन में करोगे तो 4 दिन में और ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो ये तो कर दिया अभी हमने आपके फ़ायदे की बात कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो ज़्यादा, अब हम करते हैं अपने फ़ायदे की और आपकी सहूलत की बात कि आप इस मशीन को कैसे ख़रीद सकते हैं। यहाँ तक आपने ये वीडियो देखी तो डेफ़िनेटली आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है ख़रीदने का प्रोसेस। आपको स्क्रीन पे ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, अगर आप पेंटर हैं और आपको 1-2 पीस लेना है तो आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। और जो दूसरा नंबर दिख रहा है ये आपको सार्थक भैया का नंबर दिख रहा है वीके एंटरप्राइजेस का, अगर आप एक दुकानदार हैं, आप पावर टूल्स की दुकान चला रहे हैं और आपको इस तरह की अच्छी मशीन्स को अपनी शॉप पे सेल करना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भैया से कॉन्टैक्ट करके अपना विजिटिंग कार्ड भेज सकते हैं। भैया यहाँ पे आपको बेस्ट टू बेस्ट रेट देंगे और आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देंगे। ऑर्डर डन होता है, पेमेंट करानी है, पेमेंट कराने के 24 घंटे के अंदर जो भी आप ट्रांसपोर्ट बोलोगे, जो भी कोरियर बोलोगे, उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी। और जो लोग काम करते हैं वो इस प्रोसेस को अच्छे से जानते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपको अगली एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच, और भैया थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी।